हेलो फ्रेंड्स, प्रियंकास किचन केक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंपल और बहुत ही सुंदर सा एक डायनो थीम केक बनाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस केक के डिज़ाइन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे केक की आज की रेसिपी होने वाली है। फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो फ्लेवर केक समर स्पेशल। तो इसके ये केक हमारा हाइटेड होने वाला है। इसके लिए मैंने 2 6 इंच का केक बेस लिया है, केक स्पॉन्ज लिया है। ये केक स्पॉन्ज मैंने वेनिला प्रीमिक्स से रेडी किया है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम वेनिला प्रीमिक्स लिया है और उसे मैंने इस 6 इंच के केक टिन में डाल के बेक कर लिया है। अब हम अपने केक की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने दोनों केक को थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम उसकी सोकिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी सोकिंग के लिए मैंने वाटर में थोड़ा सा मैंगो क्रस मिक्स किया था और उससे मैंने केक की सोकिंग की है। अब केक में मैंने फर्स्ट लेयर अपना क्रीम का लगाने के बाद में ये मैंगो क्रश ऐड किया है। मैंगो क्रश को हम हर साइड पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें मैंगो के चंक्स डालेंगे, जिसे मैंने घर में ही रेडी किया। फ्रेंड, ये मैंने फ्रेश मैंगो लेके 1 मैंगो है जिसे मैंने क्यूब्स में कट किया है और फिर उसे थोड़ा सा शुगर ऐड करके उसमें मैंने उसे कुक किया है, जिससे हमारा ये जो मैंगो है ये मतलब काला नहीं पड़ेगा कुछ देर में। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा हमें इसे कुक करना है और फिर इन मैंगो को हम लेयरिंग के बीच बीच में अच्छे तरीके से हर साइड में स्प्रेड कर देंगे। और फिर अब मैं इसमें दूसरा लेयर लगा रही हूँ और उसे भी सेम इसी प्रोसेस से हम पहले मैंगो सिरप से सोक कर लेंगे और उसके बाद इसी तरह से मैंने सारे लेयर को एक के बाद एक रख लिया। और ये अब मेरे केक का लास्ट लेयरिंग है जिसे मैं अच्छे से क्रीम से कवर कर रही हूँ और उसके बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा, मैंगो क्रश और फिर उसके बाद मैंगो के चंक्स। फ्रेंड्स, ये केक मेरा 6 लेयर का है बट मैंने इसमें कुछ भी टूथपिक वगैरह नहीं लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम क्रीम को अच्छे तरीके से बीट करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स, वैसे ये केक मैं अपने घर के लिए ही बना रही थी, मेरे बेटे का बर्थडे था तो मुझे ये केक कहीं बाहर नहीं ले जाना था, इसलिए भी मैंने इसमें टूथपिक वगैरह का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से सोक करने के बाद में क्रम कोट कर लिया है और अब इससे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे और फिर हम अपने केक की फाइनल आइसिंग स्टार्ट करेंगे। और ये केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने अपने व्हिपिंग क्रीम में 2 to 3 drop येलो जेल कलर मिक्स किया है और इस येलो कलर के क्रीम से हम अपने केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किस तरीके से टर्न टेबल को रोटेट करते हुए एक पाइपिंग बैग की हेल्प से मैं पूरे केक में क्रीम को अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ और अब इस तरीके से पैलेट नाइफ की हेल्प से हम उसे अच्छे तरीके से अपने केक पे स्प्रेड कर लेंगे हर साइड पे। और लास्ट में फ्रेंड्स हम इसे स्क्रैपर की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किस तरीके से स्क्रैपर से इसे स्मूथ कर रही हूँ। वैसे इसके लिए मुझे हाइटेड वाला स्क्रैपर यूज़ करना चाहिए बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा था तो जल्दी जल्दी में मैंने इसी स्क्रैपर से काम चला लिया। और अब इसके बाद ये पतले वाले स्क्रैपर से हम इसे अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे और अब उसके बाद कॉम्ब की हेल्प से हम इसे एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम अपने केक के टॉप पे क्रीम अप्लाई करेंगे। हम केक के टॉप पे भी इसी तरीके से पाइपिंग बैग की हेल्प से टर्न टेबल को रोटेट करते हुए हर साइड पे क्रीम अप्लाई करेंगे और फिर पैलेट नाइफ की हेल्प से उसे हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से टर्न टेबल को रोटेट करते हुए हम साइड के भी क्रीम को हटा लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे कॉम्ब का यूज़ बाद में करना था, मैंने यूज़ किया इसके कारण ये साइड में जो क्रीम इकट्ठा हुई उसे फिर हटाने के चक्कर में मुझे इसे फिर से क्लीन करना पड़ा। फ्रेंड्स, आप कभी भी कॉम्ब का यूज़ लास्ट में ही करें। और फिर उसके बाद मैंने फिर से कॉम्ब का यूज़ करके इसमें ये सेम पैटर्न क्रिएट किया। उसके बाद पैलेट नाइफ की हेल्प से ऊपर के हमारे केक को अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया है और एक सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से मैंने उसे इस तरीके से डिज़ाइनिंग किया है। और अब एक क्लॉथ की हेल्प से हम अपने केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अब मैंने उसी येलो कलर का जो मेरा क्रीम बचा था उसमें कुछ ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड करके
फिर उससे ग्रास नोजल की हेल्प से मैंने केक के बॉर्डर पर इस तरीके से ग्रास का डिज़ाइन बना लिया। फ्रेंड्स, ये येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बच्चों के केक के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद चारों तरफ ग्रास बनाने के बाद मैंने सोचा कि ऊपर भी बना लेती हूँ, बट फ्रेंड्स मेरे पास टाइम कम था और घर में ही गेस्ट भी आने वाले थे, तो मुझे और भी तैयारी करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में इसे यहीं पे स्टॉप किया। और फिर उसके बाद मैंने कुछ टॉपर्स रेडी किए थे केक के लिए डायनासोर्स के, तो उसे मैं अब अपने केक में लगा रही हूँ। मेरा बेटा 5 ईयर्स का हो रहा था, इसके लिए मैंने ये 5 ईयर्स वाला एक टॉपर और फिर डायनासोर के कुछ टॉपर्स थे, उसमें कुछ डायनासोर के एग्स, वॉलकेनो और दो तीन डायनासोर्स थे, उसे मैंने अपने केक पे असेंबल कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से मैंने अपने केक पे सारे टॉपर्स पर असेंबल कर लिया और ये मेरे केक का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अच्छे अच्छे डिज़ाइन और रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, गुड बाय।